तो गाइस मेरा नाम है हल्क हार्दिक, आप सभी का स्वागत करता हूँ हल्क हार्दिक वाइट के अंदर। मुझको पता है यार वीडियो बहुत देर के बाद आ रही है, बट एक्चुअली मैं गाइस मेरा हुआ क्या था, मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया था। सो मैं वीडियो गाइस मैंने बना के रखी थी, बस उसको डालना बाकी था। तो अभी मैंने देखा गाइस बहुत सारे मिथ्स नए आए हैं, तो उनकी भी मिथ्स गाइस मैंने ज्वाइन करके पूरी वीडियो बना दी है। सो एंड तक देखना, एंड हाँ लाइक कर देना यार। आज के लाइक का गोल है गाइस 10 लाइक्स, और सब्सक्राइब का गोल भी 10 है। हमारे 90 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, सिर्फ हमको 100 सब्सक्राइबर्स करने हैं। तो मैं आता हूँ FPP के अंदर जल्दी से, एंड बढ़ते हमारे मिथ नंबर 1 की तरफ। तो गाइस हमारी पहली मिथ आई है DJ बॉय गेमिंग से। इनकी मिथ है कि अगर हम लोग क्रीपर को स्केलेटन से मरवाते हैं तो हमको म्यूजिक डिस्क मिलेगी। ओके, तो चलो गाइस इसको हम लोग जल्दी से जाके ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर गाइस क्रीपर और स्केलेटन रेडी है, हमको सिर्फ हमारा सर्वाइवल के अंदर जाना है, और जल्दी से जाके देखते भाई कि आखिर क्रीपर कुछ देता भी है या फिर नहीं। तो यहाँ पर ये फटने वाला है शायद से, नहीं यार हमको स्केलेटन प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, स्केलेटन क्रीपर को मार रहा है। ओके, तो अब ये जल्दी से मर जाए। ओके, हमारा क्रीपर गाइस मर चुका है और हम लोग सर्वाइवल के अंदर आ चुके हैं। और कुछ इसने ड्रॉप किया है, यस गाइस इसने कुछ तो ड्रॉप किया हुआ है। आई होप इट इज डिस्क हो, और हाँ हेंस दिस मिथ इज कन्फर्म गाइज, ये डिस्क ही है। तो गाइज हमारी नेक्स्ट मिथ आई है वेद देवकर और क्लास 5th, 4th, 5th स्टैंडर्ड से। इनकी दोनों की मिथ है कि अगर हम लोग एक नेम टैग को नेम देंगे गाइज डिनर बोन का, तो हमारे सामने का मतलब जो जिसको हम लोग वो नेम देंगे वो उल्टा। तो यहाँ पर गाइज मैंने नेम टैग ले लिया है डिनर बोन का, अभी हम लोग जोम्बी के ऊपर ट्राई करते हैं। ओके, तो जोम्बी बन जा भाई। ओके, तो मैं अभी नेम दे रहा हूँ और ये देखो भाई उल्टा हो गया, हेंस दिस मिथ इज कन्फर्म। बट गाइज ये सभी के साथ ट्राई होती है, तो स्केलेटन भी उल्टा हो चुका है, और अभी इधर का बंदा किधर गया क्या पता। इधर मैंने मुर्गी रखी थी बट मुर्गी गायब है। यहाँ पर क्रीपर भी उल्टा हो चुका है और ये हवा में लटक रहा है, मेरे को नहीं पता कैसे। यहाँ पे स्लाइम है, ओ माय गॉड स्लाइम भी उल्टी हो चुकी है। मुंह देखो उसका कि मुंह नहीं दिखा रही, बट हेंस दिस मिथ इज कन्फर्म गाइस। तो गाइस हमारी नेक्स्ट मिथ आई है IM नूब से। तो इनका गाइस मिथ है कि अगर हम लोग रैबिट को रोस्ट नाम देते हैं तो वो ब्लैक एंड वाइट होता है। तो चलो गाइस इसको भी हम लोग जाके ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर गाइस एक रैबिट है और इसको मैंने रोस्ट नाम दे दिया, बट ये इसका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, हेंस दिस मिथ इज बस्टेड गाइस। तो हमारी गाइस नेक्स्ट मिथ आई है लाइटनिंग स्कार से। इनकी मिथ है अगर हम चेस्ट के ऊपर ग्लास ब्लॉक प्लेस करते हैं तो वो चेस्ट ओपन नहीं होगी, बट अगर हम उसके ऊपर हो कर दे तो वो चेस्ट ओपन हो जाएगी। तो चलो गाइस अभी हम लोग मैंने हो ले ली है और अभी मैं ग्लास ब्लॉक के ऊपर रख देता हूँ। तो ये देखो गाइस चेस्ट ओपन नहीं हो रही, बट अभी मैं हो करता हूँ। ओके, एंड अभी मैं ओपन करके देखता हूँ, तो गाइस ये ओपन हो रही है, हेंस दिस मिथ इज कन्फर्म। अभी टर्ट के अंदर क्या हुआ ये मुझको नहीं पता, बट कन्फर्म। तो गाइस हमारी नेक्स्ट मिथ आई है MC गेमर 3rd से। तो इनकी मिथ है कि फास्ट वॉकर एंचेंटेड बूट से हम पानी के ऊपर चल सकते हैं। तो चलो गाइस इसको हम लोग जल्दी से जाके ट्राई करते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर बूट लगा के यहाँ पर मैं चल रहा हूँ। तो गाइस हमारी नेक्स्ट मिथ आई है लाइटनिंग स्कार से। तो इनकी मिथ है वे कैन कलर फिल्ड वाटर कॉल्ड्रेन बाय डाई एंड कलर योर लेदर आर्मर। तो चलो गाइस इसको भी जाके अभी हम लोग ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैंने सारे काम की सामान ले लिया है और यही गायब हो गया आर्मर स्टैंड। तो यहाँ पर वाटर है और इसके अंदर मैं रेड डाई यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का होता है। और ये देखो भाई कलर के हो जा रहे लेदर के हमारे आर्मर, और पहन कर भी देख लेते हैं। और ये देखो भाई हेंस दिस मिथ इज कन्फर्म। तो गाइज हमारी नेक्स्ट मिथ आई है जुनू का 1/3 से। इनकी मिथ है गाइज आप हैंड पोर्टल को अंडर वाटर स्पॉन नहीं कर सकते हो। तो चलो गाइज इसको हम लोग जाके अभी ट्राई करके आते हैं। तो गाइज मैं हैंड पोर्टल के पास पहुंच चुका हूँ, एंड ये वाटर के अंदर है।
एंड अभी इसको हम लोग ऑन करके देख लेते हैं कि ये वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा। और यहाँ पर 3, 2, 1 हेंस दिस मिथ इज ब्रस्टेड गाइस, क्योंकि ये वर्क। तो गाइस हमारी नेक्स्ट मिथ आई है एमसी गेमर 3 से। इनकी मिथ है कि गेम की डिफ़िकल्टी हार्ड करने से जॉम्बी या स्केलेटन को टोटम दोगे या तो वो ले लेंगे और स्वॉर्ड आर्मर भी ले लेंगे। तो चलो गाइस इसको भी हम लोग ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैंने स्केलेटन और जॉम्बीज की बारिश कर दी है, बट मेरे फ़ोन का एक ग्लिच है गाइस कि मेरे फ़ोन के अंदर ये वर्क नहीं हो रहा। ओके, अगर आपके फ़ोन के अंदर वर्क हो रहा होगा तो ज़रूर से कॉमेंट कर देना। तो अभी के लिए ये मिथ आपके ऊपर है कि ये ब्रस्टेड है या फिर कन्फर्म है, तो आप मेरे को कमेंट में बताना गाइज। तो गाइज हमारी नेक्स्ट मिथ आई है बैड ब्राइन गेमर्स। ओके, तो इनकी मिथ है गाइज फॉक्स कैन ऑल्सो यूज टोटम ऑफ अन टाइम एंड फायर एक्सपेक्ट स्वॉर्ड। तो चलो इसको भी गाइज हम लोग जाके अभी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर फॉक्स है एंड इसके अंदर मैंने टोटम ऑफ अन टाइम डाल दिया और दूसरा भी डाल दिया एंड अभी मैं तलवार भी डाल रहा हूँ। ओके, फायर एक्सपेक्ट वाली। ओके, सो तलवार भी डाल दी बट इनमें से कोई उठा नहीं रहा। बट गाइज मेरे फ़ोन का ग्लीच है, मैंने आपको पिछले वाले मीथ में बताया था, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई ये मीथ कन्फर्म है या फिर ब्रस्टेड है। सो बढ़ते हमारी नेक्स्ट मीथ की तरफ। तो गाइज हमारी नेक्स्ट मीथ आई है सूर्या शर्मा 10th D से। इनकी मीथ है कि वे विल टेक लेस डैमेज ऑन ग्लेवल हेबेल एंड सैंड एज कम्पेयर एज स्टोन। तो चलो गाइज इसको भी हम लोग जाके अभी ट्राई करते हैं। तो गाइज मैं ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पर मैंने सर्वाइवल कर दिया और नीचे स्टोन है और एक हार्ट पे बचा हूँ गाइज मैं। तो अभी मैं अपनी हार्ट्स बढ़ा के आता हूँ एंड नीचे हेबेल लगा के आता हूँ। सो देखेंगे तभी हमको कितना डैमेज मिलता है। अभी एक हार्ट पे बचा है, नेक्स्ट टाइम कितना हमको हार्ट मिलता है। तो हेबल लगा के मैं ऊपर आ चुका हूँ एंड अरे ये लग गई। ओके, तो अभी हम लोग जाते हैं सर्वाइवल के अंदर और अभी नीचे जंप करते तो कितने का डैमेज लगेगा गाइस। सिर्फ एक हार्ट गया है। ओके, मतलब हेंस दिस मिथ इज कन्फर्म गाइस। तो गाइस हमारी नेक्स्ट मिथ आई है एमसी गेमर 3 से। इनकी मिथ है पिगलिन नेदर के अंदर डोर यूज करते। तो चलो गाइस इसको भी हम लोग अभी जाके ट्राई करके आते हैं। तो गाइस यहाँ पर नेदर के अंदर आने के बाद यहाँ पर एक डोर है और यहाँ पर मैं पिगलिन को स्पॉन कर रहा हूँ। ओके, एंड अभी देखते कि ये क्या यूज़ कर पाएंगे डोर को। तो चलो गाइस देखते रहते हैं। और ये हेल्स गाइस दिस मिथ इज कन्फर्म, इन लोगों ने डोर ओपन कर लिया। तो गाइस हमारी नेक्स्ट मिथ आ चुकी है सूर्या शर्मा 10th D से। इनकी मिथ है यू कैन ऑल्सो डू MLG विद बकेट ऑफ स्नो डस्ट इन नेदर Also overworld both। Okay, तो गाइज चलो इसको भी हम लोग जाके अभी ट्राई करते हैं। तो गाइज मैं हो चुका हूँ रेडी और ये मैंने कर दी। ओके, ये हो जाता है गाइज, मेरे को MLG नहीं करनी आती बट ये मिथ कन्फर्म है क्योंकि वो अपना स्नो बकेट से हमको डैमेज नहीं पड़ता, हेंस दिस मिथ इज कन्फर्म।